आज कक्षा 9वीं के बच्चे गति वाले पाठ में से कुछ क्रियाकलाप करके गति के नियमों के बारे में समझेंगे। तो गति के कितने नियम होते हैं बेटा? तीन। कितने होते हैं? तीन। वेरी गुड। तो सबसे जो पहला नियम है वो क्या है बेटा? जब तक हम किसी वस्तु पर बल ना लगाएं तो वो अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करेगा। अब ये बुक है, ये प्रैक्टिकल की कॉपी है, हमने इसके ऊपर बल लगाया तो इसने अपनी स्थिति को बदल लिया। इस कमानीदार तुला पे हमने बल लगाया तो इसकी स्थिति बदल गई, ऊपर की तरफ उठ गई। ठीक है, तो इस प्रकार पहला नियम को हम जड़ता का नियम भी कहते हैं कि जब तक किसी वस्तु के ऊपर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। अब आता है दूसरा नियम। अब हम कहते हैं कि इस कमानीदार तुला को उठाने में कितना बल लगाया, इस विज्ञान की प्रैक्टिकल कॉपी को उठाने में कितना बल लगाया, ये बताएगा हमें गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम कैसे बताएगा? इस वस्तु का द्रव्यमान और किस वेग से इसको ऊपर उठाया है। देखो हम धीरे धीरे लेके आ रहे हैं, फिर हमने एकदम तेज उसे उठाया, तो हमने किस वेग से उठाया है, उस दोनों का गुणनफल इसके ऊपर लगने वाले बल के बारे में बताता है। इसको हम संवेग भी कहते हैं। बल बराबर है यानी संवेग बराबर है द्रव्यमान गुणा में वेग। ये हो गया गति का दूसरा नियम। क्लियर बेटा? अब हम करेंगे क्रियाकलाप तीन यानी गति का तीसरा नियम। ये हमने दो कमानीदार तुला ली हैं और हम इनको इस प्रकार से एक दूसरे के अंदर फंसा लेंगे ताकि सामने हमें रीडिंग दिखाई दे। अब ये जो कमानीदार तुला है इसके ऊपर बल लगा रही है, ये कमानीदार तुला इसके ऊपर लगा रही है, यानी पहली जो कमानीदार तुला है दूसरी कमानीदार तुला के ऊपर बल लगा रही है और एक दूसरी को अपनी तरफ खींच रही है। इसको बोलते हैं क्रिया और इसको बोलेंगे प्रतिक्रिया। पहली ने खींचा वो क्रिया, दूसरी ने खींचा वो प्रतिक्रिया। तो यहाँ पर आप सामने देखेंगे बेटा, मैंने बिल्कुल लूज छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया, तो इनकी जो संख्या है वो देखें आप ध्यान से। फिर हमने इसको खींच लिया है, आप देखेंगे दोनों कमानीदार तुला की जो ये संख्या है, वैल्यू है, ये जो पाठ्यांक है वो लगभग सेम होगा। मैं लगभग क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होती, हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बदलाव इनमें आ जाता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि गति का जो तीसरा नियम है क्रिया एवं प्रतिक्रिया बराबर लेकिन विपरीत दिशा में होती है। जैसे आप गेंद है आपके पास, आपने दीवार की तरफ फेंक के मारा है तो गेंद कहाँ आएगी? वापिस आएगी। आपने धीरे से फेंका तो वो धीरे से आएगी, ज्यादा बल लगा के खींचा तो ज्यादा बल से आएगी। जब आप बंदूक से गोली चलाते हैं तो गोली चलाने वालों से पूछना, उनको पीछे की तरफ झटका लगता है, कि जब आगे की तरफ बल लगाया जाता है तो उतना ही वो जब वो आगे गोली जाती है तो बंदूक पीछे की तरफ हमें धकेलती है। ये सभी के सभी उदाहरण गति के तीसरे नियम के हैं। गति का तीसरा नियम क्या कहता है? क्रिया एवं प्रतिक्रिया उल्ट लेकिन बराबर होती हैं। मैं समझती हूँ आप सबको ये गति के तीनों नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो, कोई संशय हो, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।